गवर्नमेंट मल्टी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर आज तक। रामनगर में जाली दस्तावेजों के आधार पर बद्रीनाथ मंदिर की एक संपत्ति को बेचने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें रामनगर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार ने आरोप लगाया है कि रामनगर में श्री बद्रीनाथ मंदिर की काफ़ी संपत्ति है, जिसमें राम मंदिर सहित रामनगर की कई दुकानें भी शामिल हैं, जिसमें एक संपत्ति रामनगर के बजाजा लाइन में है, जो कभी भाजपा का कार्यालय हुआ करता था, जो दाऊदयाल टंडन के नाम पर किराए पर था और नगरपालिका के दस्तावेजों में भाजपा कार्यालय के रूप में किराए में दर्ज है। आज वो संपत्ति बिक चुकी है, जिसमें हाईकोर्ट ने 27/12/2016 को आदेश पारित किया था कि इसे यथास्थिति बरकरार रखी जाए और इसमें उप जिलाधिकारी रामनगर को रिसीवर बनाया गया था। अरविंद कुमार ने आरोप लगाया है कि उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से हाईकोर्ट के यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बावजूद इस संपत्ति को जाली दस्तावेजों के आधार पर बेच दिया गया है। ये मंदिर की जगह भी बद्रीनाथ की है, कितने दावे के साथ आप इस बात को कहते हैं? इसके ऊपर जो है कई मुकदमे चल रहे हैं, सारे दस्तावेज हैं हमारे पास, रेवेन्यू रिकॉर्ड हैं कि ये बद्रीनाथ मंदिर की संपत्ति है, हैं? और वो जो दुकान बेची गई है वो इसी मंदिर से संबंधित है, उसके दस्तावेज ये हैं। देखिए, जिस दस्तावेज में नगर पालिका का दस्तावेज है, इसमें जो है दर्ज है कि ये बीजेपी कार्यालय था और बीजेपी कार्यालय के वहाँ से सारा सामान गायब कर दिया गया और उसको कार्यालय को बेच दिया गया। नहीं पता कि इन्होंने रोका ही नहीं उसको, कार्यालय को, और उनके जानकारी में ही बिका ये कार्यालय, और जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर बेचा गया। और कोई किराएदार कोई प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, लेकिन इसने बेच दी। आप किस आधार पर कह रहे हैं ये कि ये बीजेपी कार्यालय है, थोड़ा बताएं? ये बीजेपी कार्यालय जो नगर पालिका रामनगर है, इसके में किराएदारों की जो सूची होती है, किराएदारों में लिस्ट है कि भाजपा कार्यालय द्वारा दाऊदयाल टंडन है, और दाऊदयाल टंडन जब पहले भाजपा के नेता हुआ करते थे तो उसी समय इन्होंने भाजपा का जो भारतीय जनता पार्टी का सारा सामान उठा के गायब कर दिया और इस कार्यालय पर कब्जा कर लिया उन्होंने। लेकिन उनके लड़के ने पिछले दिनों ये भाजपा कार्यालय जिसमें वो किराएदार थे उसको बेच दिया, किराए की प्रॉपर्टी को बेच दिया उन्होंने अवैध तरीके से जाली दस्तावेजों के आधार पर, और ये यहीं के एक व्यापारी को बेचा गया। वो ये ज़मीन है किसकी, ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति बद्रीनाथ मंदिर की संपत्ति है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। बड़ी दुख की बात यह है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो अध्यक्ष है इस समय मोहन प्रसाद थपलियाल, वो चमोली जिले का भाजपा जिलाध्यक्ष भी है, और उसके होते हुए उसने कभी ध्यान नहीं दिया, वो वहीं बैठा है। ये संपत्ति जो है पिछले दिनों जब गणेश गोदियाल थे कांग्रेस पार्टी के विधायक भी थे श्रीनगर से, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, तब बेची गई ये कांग्रेसी साजिश में। और ये जो है बेचने वाले भाजपा के लोग हैं, दाऊदयाल टंडन के लड़के ने बेची है इसको जाली दस्तावेजों के आधार पर जी, और मोटी रकम ली है इसमें। और यहाँ एक गिरोह सक्रिय है जो कि बद्रीनाथ मंदिर समिति की संपत्ति बेच रहा है, और इस गिरोह की साठगांठ उस बद्रीनाथ मंदिर समिति से है। आप इतने विश्वास से कैसे कहते हैं कि ये संपत्ति बद्रीनाथ की संपत्ति है? ये जो है सर 1924-25 की खसरा है मेरे पास, उस खसरा में ये सारी दुकानें सारी प्रॉपर्टी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की है, सब पे बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ जी बद्रीनाथ जी नाम लिखा हुआ है, हैं? और ये जो रामनगर में पूरी प्रॉपर्टी है करीब 800 करोड़ से लेकर के 900 करोड़ तक की है ये संपत्ति, बल्कि और ज़्यादा हो सकती है, हैं? और ये बद्रीनाथ मंदिर समिति में जो सरकारी तंत्र जिसने अधिग्रहण कर रखा है उसमें जो भ्रष्ट लोग हैं वो इनसे मिले हुए हैं और वो बेच रहे हैं, बिकवा रहे हैं, ये काला धन पैदा कर रहे हैं खूब जी। ऐसा कोई मामला को हाईकोर्ट में चल रहा है क्या, थोड़ा बताएं? इसमें हाईकोर्ट में मामला जो है, ये DM नैनीताल ने इस पर SDM रामनगर को रिसीवर अपॉइंट किया था सन 2006 में, तब से मुकदमेबाजी चल रही है। ये यहाँ के लोग हार गए हैं चुनाव, वो ये निचली अदालत से हार गए हैं 2 बार, और अब इन्होंने हारने के बाद अपील की है DM नैनीताल के खिलाफ, और उस हाई कोर्ट ने
उस पर स्टे दे रखा है और स्टे के बावजूद ये प्रॉपर्टी बिकी है। इसी से संबंधित माननीय जिला जज नैनीताल के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। सर, एक सामाजिक कार्यकर्ता है अरविंद जी, उनका आरोप है कि बद्रीनाथ की संपत्ति पे किराए के रूप में दीनदयाल टंडन के बेटे रह रहे थे, जिन्होंने उसको जाली दस्तावेजों के आधार पर किसी को बेच दिया। तो सर, इस पर क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाने वाली है? जो ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और इससे पहले भी जो निचली अदालत सिविल कोर्ट से कुछ निर्णय हुए थे जिनके विरुद्ध में जो बेटी पक्ष है वो हाईकोर्ट में गया हुआ है और हाईकोर्ट का जो भी अंतिम निर्णय होगा उसका अनुपालन सभी लोग करेंगे। अगर कोई गलत तरीके से कोई खरीद फरोख्त करता है जो माननीय न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के विपरीत होगा, उसमें विधिक कार्रवाई।